युक्ति विज्ञान अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को पढ़ेंगे। इसके पहले बच्चों आपको बताते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हमारे कोर्स को कुछ कम किया गया है, जिसमें अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमरीकी वर्चस्व को कम किया गया है। इसलिए अध्याय 3 को छोड़कर हम पढ़ते हैं आज अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आइए देखते हैं इसका परिचय। सन 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व में सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया के दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का उदय हुआ एक शक्तिशाली दमदार रूप में। यूरोपीय संघ और आसियान देशों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक जो दुश्मनी थी और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। साथ ही इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय ढंग से प्रभाव डाला। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर नजर डालेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। जैसे अभी बताया कि चीन में एक शक्तिशाली देश उभर कर आ रहा था। देखिए सामने ये आपकी पिक्चर है। सन 1978 के दिसंबर में ओपन डोर की नीति चलाई गई थी। इसके बाद से चीन में अद्भुत प्रगति की और अपने आने वाले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ये तस्वीरें चीन के विकास को तेजी से बदलती हुई प्रतीत हो रही हैं। आपके सामने ये देखें कि समाजवादी रास्ते ही सबसे व्यापक रास्ता है। दूसरी तस्वीर जो चीन की नई आर्थिक स्थिति का आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। अब देखते हैं यूरोपीय संघ। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनी को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। सन 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो देखी थी, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देखा था जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। सन 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से भी जाना जाता है कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पुनर्गठन बनाने में जो सहायता की उसे मार्शल योजना का नाम दिया गया। इस मार्शल अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को भी जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना भी की गई जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक व्यापारिक मामले में एक दूसरे से मदद करना शुरू कर दी। और सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद
राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला अच्छा कदम साबित हुआ। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध क्रम से आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया था। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता भी तैयार हो गया। बच्चों, ये आप जो देख रहे हैं आपके समक्ष ये सुनहरे सितारे, ये है यूरोप का झंडा, नीले रंग में सुनहरे सितारे। तो सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें कुल 12 सितारे हैं क्योंकि वहाँ की संख्या क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, संपन्नता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये है यूरोपीय संघ का झंडा। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। जब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा, तब यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली थी। नए देशों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी अब वह यूरोपीय संघ को दे दी जाएगी। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति लोगों ने जाहिर करी। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत अधिक जबरदस्त था। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका घरेलू उत्पादन लगभग 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था, जो अमेरिका के लगभग है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती थी। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी ताकत और धौंस के साथ अपनी बात करवाता है। इसके आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के देशों मुल्कों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल ही के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानव अधिकारों के उल्लंघन
और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज्यादा प्रभावकारी साबित हुई है। ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के दो देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ दुनिया का दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामले में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामले में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो इसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्से में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपियन संघ की क्षमता सीमित होती है। यूरोपीय एकता और के कुछ महत्वपूर्ण स्तर हैं, पड़ाव हैं। से 1991 में पश्चिमी यूरोपीय छह देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करे और एक समुदाय का गठन किया। ये आपके सामने है स्क्रीन पर। अब देखते हैं एशियाई संगठनों, आसियान। दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें तो आपके ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण और आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा। टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बर्न सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने का प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामलों में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। ये आसियान का झंडा है, जो आसियान का एक प्रतीक चिन्ह है। इस प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों की ओर इंगित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। और ये जो व्रत है, ये सर्कल है, ये गोला है, यह आसियान की एकता का प्रतीक है। सन 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। तो 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये 5 देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून
के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक टकराव सहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया और इसको आसियान शैली ही कहा जाने लगा। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य राष्ट्रों के समूह आसियान ने अब तक अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। सन 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक तीन स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता था। कौन कौन से तीन स्तंभ में? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ये सन 2003 में इन समुदाय को बनाया गया। आर्थिक समुदाय, आर्थिक सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। वर्ष 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तक संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर करी। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों का तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना करी गई। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना 1994 में करी गई। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमरीकी, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सब को अधिक तेजी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभावों में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना था, इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। आसियान की मौजूदा आर्थिक स्थिति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामलों में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी अधिक आकर्षक बना दिया है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों ने में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश अवश्य की है। भारत ने दो आसियान सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता भी किया। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापारिक क्षेत्र की व्यवस्था लागू हुई।
आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। बच्चों, ये आपके सामने जो फोटो दिख रही है, यह है 25 जनवरी 1918। कब है? 25 जनवरी 1918 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए एक डॉक टिकट जारी करते हुए आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती के उपलक्ष्य पर एक डाक टिकट जारी करी गई। और यह कब करी गई? 25 जनवरी 1918 को। तो जब ये जारी करी गई तो इस फोटो में आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। आपको चित्र पर दिख रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अब अपन देखते हैं बच्चों कि ये यूरोपीय एकता के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव, ये कभी कभी एक नंबर दो नंबर में आ सकते हैं। तो अप्रैल 1991 में पश्चिमी यूरोप के 6 देश फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। फिर मार्च 1957 में इन्हीं 6 देश फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली आदि देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। जून 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव रखा। जनवरी 1981 में यूनान ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। जून 1985 में शागिन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। अक्टूबर 1990 जर्मनी का एकीकरण। फरवरी 1992 यूरोपीय संघ के गठन के लिए मेंस्ट्रिस संधि पर हस्ताक्षर हुए। जनवरी 1993 एकीकृत बाजार का गठन। जनवरी 1902 नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। मई 2004 साइप्रस चेक गणराज्य को यूरोपीय गणराज्य, इंडोनेशिया, हंगरी आदि को यूरोपीय संघ में शामिल किया। जनवरी 2007 बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए। दिसंबर 1909 लिस्बन संधि लागू हुई। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2013 क्रोशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना। और 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए। तो बच्चों, आप इन सब को पढ़ के अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे।